दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबा दें इस बेल के आइकन को ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं आईटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है परमवीर सिंह और यहाँ पर रियलमी 2 और रियलमी C1 के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई है रियलमी की तरफ से। दोस्तों जो कलर ओएस है 5.0 का स्टेबल वर्जन, वो रोल आउट शुरू होना हो गया है आज 30 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे। तो धीरे धीरे आप सभी को ये अपडेट मिल जाएगा और इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था कि भाई इन फोन्स में ये अपडेट आने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये दिसंबर के एंड में आपको अपडेट आज मिल चुका है। और जो मैंने फीचर्स बताए थे दोस्तों, उसके अलावा भी काफ़ी सारे यहाँ पर रियलमी ने फीचर्स प्रोवाइड करवाए हैं। अब जिनको ये अपडेट मिल चुका है उनको तो ठीक है, अच्छी बात है, और जिनको नहीं मिला है वो परेशान ना हो। मैं डाउनलोड लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप ऐसी कोई भी टेंशन मन में ना रखें कि यार ये जो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे ये अलग होगा, ये कंपनी की तरफ से नहीं होगा, ये ऑफिशियल नहीं होगा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये रियलमी की तरफ से ही दिया गया लिंक है, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं चेंज लॉक के बारे में कि क्या क्या इस फीचर, इस अपडेट में आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इनका फीचर है वही है सिंगल स्वाइप नोटिफिकेशन डिसमिस। नाउ यू कैन स्वाइप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू डिसमिस द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन पैनल से आप अब जो नोटिफिकेशन आते हैं उनको सिलेक्ट करके लेफ्ट से राइट साइड में ड्रैग करके स्वाइप करके उन्हें वहाँ से हटा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा फीचर है यहाँ पे, ये फीचर नहीं, मेरे हिसाब से ये बग होना चाहिए। अभी देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए हेडसेट आइकन इन स्टेटस बार विल बी शोन व्हेन यू प्लग इन द हेडसेट। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि एक ईयरफोन का आइकन आपको दिखाई देगा आपके स्टेटस बार में जब आप ईयरफोन प्लग इन करेंगे, तो ये तो पहले भी दिखाई देना चाहिए था। हालांकि ये इनकी तरफ से ये बग होगा, लेकिन अभी ये इस अपडेट में ये सॉल्व हो चुका है। तीसरे फीचर की हम दोस्तों बात करते हैं, वो है स्मार्ट बार फॉर फास्टर मल्टीटास्किंग। यू कैन ऐड एप्स टू यूज ऑफन इनटू स्मार्ट बार फॉर फास्टर ऐप लॉन्चिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पर इस फीचर का मतलब ये है कि आप ऐसी बहुत सारी ऐप्स जो बार बार दिन में यूज़ करते हैं, हर 10 मिनट हर 15 मिनट में ओपन करते हैं, तो उनको आप स्मार्ट बार में ऐड कर लीजिए, वहाँ से आप उन्हें जल्दी से लॉन्च कर सकते हैं, मतलब जल्दी से ओपन कर सकते हैं, जल्दी से क्लोज कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग उनके बीच में कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर आप सबके लिए होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगले फीचर की, जो एडेड रिबूट फंक्शन। You can swipe up to reboot in shutdown interface. तो आप अब swipe up करके अपने फ़ोन को reboot या shutdown यहाँ से कर सकते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर हो सकता है आप सबके लिए। ऑप्टिमाइज्ड रिमाइंडर व्हेन डेवलपर ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी मोड एंड डिवाइस मैनेजर। तो जो आपका डेवलपर मोड है दोस्तों, इसमें आपको डिवाइस की प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिलीट किया गया है और एक्सेसिबिलिटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, अब वो आप देख लीजिएगा। बिकॉज मैं यहाँ पे रियलमी का यूज़र नहीं हूँ, ना मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, तो मैं इतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। इससे आगे वाला फीचर जो है इम्प्रूव फ्रीक्वेंसी फॉर टच स्क्रीन। तो जो भाई टच स्क्रीन से रिलेटेड आप अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, कुछ शायद आपको प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन अब इन्होंने एक और मतलब इम्प्रूवमेंट कर दी है थोड़ी टच में, तो अब शायद आपको थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा टच स्क्रीन के रिगार्डिंग। अगला जो अपडेट है वो गूगल असिस्टेंट को लेके है। लॉन्ग प्रेस पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड टू लॉन्च गूगल असिस्टेंट। मतलब अगर आप ओके गूगल से कुछ बात करना चाहते हैं, तो अब आप पावर बटन को 0.5 सेकंड तक अगर दबा के रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट लॉन्च हो जाएगा और उससे आप कोई भी कमांड दे के अपना जो है सर्च या कोई काम करवा सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट में है सिक्योरिटी की बात करें, तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो मैंने बताया था कि आपको दिसंबर का मिलेगा, लेकिन ये अपडेट तो दिसंबर के ही एंड में ही आएगा, तो ठीक वैसा ही हुआ। 5 दिसंबर का आपको सिक्योरिटी जो पैच है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये अपडेट भी आपको एंड में ही मिला है, तो एक अच्छी बात भी है और थोड़ी सी बुरी बात यह है कि ये अपडेट है जो एंड में है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी मैं बताता हूँ कि आपको ये इंस्टॉल कैसे करना है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन करने के लिए जो मैं लिंक आपको दूंगा OTA पैकेज का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आप उसे अपने फ़ोन की मेमोरी या SD कार्ड में रख लें, किसी फोल्डर में ना रखें, बाहर की तरफ ही उसे रख लें, यहाँ पर यही इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद आप अपने फ़ोन को जो फ़ोन की माइनस की है और जो पावर बटन है, पहले फ़ोन को शटडाउन कर लेंगे, फिर माइनस की और पावर बटन को एक साथ दबाएंगे
और तब तक दबा के रखेंगे जब तक आपका फ़ोन रिकवरी मोड में ऑन नहीं हो जाता। जैसे ही रिकवरी मोड में ऑन होता है तो सबसे पहले आपके सामने ये ऑप्शन आएगा इंग्लिश, आप इसमें लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और इसे ध्यान से सिलेक्ट करें, वरना ये जो लकड़ियाँ से नीचे सेलेक्ट हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। दूसरे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपसे वो पैकेज पूछेगा इंस्टॉलेशन पैकेज, की कौन सा पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो कौन सी मेमोरी में पड़ा है। तो अगर आपने फ़ोन की स्टोरेज में रखा है तो फ्रॉम फोन स्टोरेज कर लें, नहीं तो फोन फ्रॉम SD कार्ड कर लें। और लास्ट में ये पूछेगा सिलेक्ट द OTA पैकेज, तो वो आपकी फाइल है जो आपने डाउनलोड की थी उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा ओके और कैंसिल का। तो जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों, जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो आपके फ़ोन में शुरू हो जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर फ़ोन को थोड़ा चार्ज रखें लगभग 50%, क्योंकि फ़ोन बंद नहीं होना चाहिए इंस्टॉलेशन के दौरान, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है। और आपने फ़ोन को रिबूट भी नहीं करना है, ये जितना टाइम लेता है इसे लेने दें और जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ ऐसी कोई बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं इसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले रियलमी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।